हेलो मूवी लवर्स, आज की जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसे बच्चे की जो कि बहुत ही ठरकी है और वह किस किस तरह के कारनामे करता है और किस तरह से एक डायमंड को चोरी करता है। पर इससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मूवी की स्टार्टिंग जेल को दिखाते हुए होती है, जहाँ हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम कैल्विन है। वह पुशअप कर रहा होता है और उसके कैदी उससे डर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक जेल के गार्ड वहां आते हैं और उसे बताते हैं कि अब उसका जाने का टाइम आ गया है। कैल्विन अपनी सेल से निकलता है और सारे कैदी उसे जाते हुए देखते हैं। एक गार्ड गेट खोलने का कमांड देता है, जहाँ हम कैल्विन की शेडो को देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कैल्विन एक छोटा आदमी है जो कि 2 फुट 6 इंच का है। कैल्विन का फ्रेंड पर्सी उसे लेने आता है और एक अच्छा दोस्त होने के नाते पर्सी कैल्विन के लिए दरवाज़ा खोलता है, लेकिन गलती से दरवाज़ा उसके फेस पे मार देता है, जिसके बाद कैल्विन रास्ते में पूछता है, क्या तुम्हारे पास पैसे कमाने का कोई प्लान है? पर्सी कहता है कि एक जॉब है जो उन्हें $1,00,000 पे करेगी। इतने सारे पैसे सुनकर कैल्विन इंटरेस्ट हो जाता है और उससे जॉब के बारे में पूछता है। पर्सी उसे बताता है कि उन्हें बस एक डायमंड चोरी करना है। पर्सी कैल्विन से कहता है कि अगर ये काम सक्सेसफुल हो गया तो वह क्रिमिनल लाइफ छोड़कर एक फैमिली बना ले, पर कैल्विन कहता है कि फैमिली मैन बनकर रहना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है। पर पर्सी उसे जोर देते हुए कहता है कि उसे इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वह छोटा है और लाइफ उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है। यह सुनकर कैल्विन उसे थप्पड़ मारता है और पर्सी रोना स्टार्ट कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम वैनेसा और डैरियल है। डैरियल ने वैनेसा को बहुत पहले ही प्रपोज किया था, लेकिन अमीर नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ एक रिंग ही दी थी, वो भी बिना डायमंड की। वो वैनेसा को फैमिली स्टार्ट करने को बोलता रहता है और जब वैनेसा कहती है कि उसके पास एक गुड न्यूज़ है, तो वह एकदम से अपनी चेयर से खड़ा होता है, यह सोचकर कि वह प्रेग्नेंट है। और वैनेसा क्लेरिफाई करती है कि वह प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसे प्रमोशन मिल रहा है। डैरियल उसे कॉन्ग्रेट्स करता है, लेकिन वह निराश हो जाता है कि उनका बच्चा नहीं होने वाला। वैनेसा कहती है प्रमोशन के साथ उन्हें बच्चे करने में भी और भी साल लगेंगे। इधर पर्सी और कैल्विन ज्वेलरी की दुकान में जाते हैं। पर्सी गन निकालने लगता है और कैल्विन उसे जल्दी से रोकता है। कैल्विन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि उसके पास एक प्लान है। पर्सी एक बड़े बैग के साथ स्टोर में पहुंचता है और वह बैग को फ्लोर में रखता है, जहां हम देखते हैं कि बैग के अंदर कैल्विन है और वह सीधा डायमंड डिस्प्ले के अंदर घुस जाता है। जब पर्सी स्टोर एम्प्लॉय को बिजी रखता है, कैल्विन डायमंड डिस्प्ले के नीचे जाता है और नीचे से ड्रिलिंग करते हुए इतना बड़ा होल बना देता है जिससे वह डायमंड को चुरा सके। उसी टाइम डिस्प्ले के नीचे कुत्ता घुस जाता है। कैल्विन वहां से बाहर आता है और पर्सी उसे लेकर स्टोर से बाहर जाने लगता है। इधर एक लेडी जिसका डॉग खो जाता है, वो परेशान होती है, जहां हम देखते हैं वह डॉग कैल्विन के साथ बैग में होता है और तभी वह कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देता है और वह लेडी पर्सी की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वह मेरा डॉग चोरी करके ले जा रहा है। स्टोर एम्प्लॉय कहते हैं डायमंड भी गायब है, जिसके बाद वह तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। कैल्विन और पर्सी अपनी कार में पहुंचते हैं। कैल्विन कुत्ते को बाहर फेंक देता है। पर्सी कार स्टार्ट करता है, लेकिन वह रियलाइज करता है कि कार का बूट कर दिया गया है। पुलिस भी पहुंच जाती है और पर्सी भागने लगता है और तभी अचानक वह वापस आता है और कैल्विन को उठाकर भाग जाता है। पुलिस उस लेडी से पूछती है कि चोर कैसे दिखते हैं, तो वह कहती है कि वह काले थे। तभी एक पुलिस ऑफिसर इतनी सी बात सुनकर भाग जाता है। वहीं पर्सी और कैल्विन एक स्टोर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वहां भी उन्हें फॉलो करती है, जहां पर डैरियल और वैनेसा भी होते हैं और वह अभी भी बच्चा करने को लेकर बहस कर रहे होते हैं। कैल्विन को टेंशन होता है कि पुलिस कहीं डायमंड को पकड़ ना ले। वह डायमंड को वैनेसा के बैग में डाल देता है और छुप जाता है।
वहीं पुलिस कैल्विन को पकड़ने ही वाला होता है, वहीं उसका पार्टनर किसी इनोसेंट काले आदमी को मारने लगता है। डेरियल और वैनेसा शॉप से चले जाते हैं, जिसके बाद कैल्विन और पर्सी को उन्हें फॉलो करने के अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं होता। जब वह उनके घर पहुंचते हैं तो कैल्विन उन्हें बच्चे के बारे में बात करते हुए सुनता है। वैनेसा के फादर भी इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने को लेकर इसके खिलाफ होते हैं। तभी कैल्विन को बैग देखता है जिसमें उसने डायमंड छुपाया था। कैल्विन पर्सी को उस बैग को लेने का कोई आइडिया देने को कहता है। पर्सी कहता है कि वह एक बच्चा बनकर घर में घुस सकता है और डायमंड लेकर आ सकता है। कैल्विन इस आइडिया के खिलाफ होता है, जिसके बाद हम कैल्विन को एक बच्चे के कपड़े पहने हुए देखते हैं। पर्सी उस बास्केट को उस घर के बाहर रख जाता है और बेल बजाकर छुप जाता है। उसी समय एक कुत्ता कैल्विन के पास आता है और उसी समय उसके ऊपर सूसू कर देता है। डेरियल और वैनेसा डोर खोलते हैं और कैल्विन बच्चों की तरह एक्ट करने लगता है। डेरियल को उसके पास एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि कैल्विन का ध्यान रखना, हम इसे नहीं रख सकते, लेकिन उसमें बहुत सारी स्पेलिंग गलत होती है। जिसके बाद वह कैल्विन को उठाते हैं, जिसमें बहुत ही सूसू की बदबू आ रही होती है, वो उसे अंदर लेकर जाते हैं। वैनेसा के डैड स्मेल के बारे में कंप्लेन करते हैं। वह कैल्विन का डायपर चेंज करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वह जो देखते हैं उससे शॉक हो जाते हैं। कैल्विन उनके रिएक्शन देखकर स्माइल करता है। यह देखने के बाद वह चाइल्ड सर्विस को कॉल करने का डिसाइड करते हैं। वह वैनेसा को बताते हैं कि ऑफिस मंडे तक बंद है। वैनेसा के फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उन्हें बच्चे को वहीं रख देना चाहिए था जहां उन्हें मिला था। वही वैनेसा सोचती है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, अब इस डर से कि कहीं वह पुलिस को ना बुला ले। कैल्विन बच्चों की तरह रोने लगता है, लेकिन जल्दी ही रोते हुए वह आदमी की तरह आवाज़ निकालने लगता है। इसलिए वैनेसा और डेरियल उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर कैल्विन के कपड़े निकालता है और चाकू के निशान और टैटू देखते हैं और सोचते हैं कि कैल्विन के पेरेंट्स अच्छे लोग नहीं होंगे। डॉक्टर कैल्विन को चेक करता है और कहता है कि सब ठीक है। वैनेसा कहती है कि उन्हें उसके पेरेंट्स ढूंढ कर उन्हें वापस करना होगा, और डेरियल सोचता है कि नहीं, इसके पेरेंट्स बुरे लोग हैं, इसलिए उसे वापस देना अच्छा आइडिया नहीं होगा। डेरियल सजेस्ट करता है कि जब तक चाइल्ड सर्विस ऑफिस ओपन नहीं होगा, उन्हें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी दौरान कैल्विन बैग के साथ भागने लगता है। वो हॉस्पिटल से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक पुलिस वाला उसे उठा लेता है। पुलिस को देखकर उसे सारी सिचुएशन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैल्विन उसे एकदम से मॉमी कह देता है, जिससे वह इमोशनल हो जाती है। और तभी मिस्टर डब्ल्यू, जिसने पर्सी और कैल्विन को डायमंड चोरी करने का काम दिया था, पर्सी को धमकी देता है कि जल्दी से जल्दी उसे डायमंड ला कर दे। अब वैनेसा अपने फ्रेंड्स को बुलाती है कैल्विन को देखने के लिए। वह दोनों सबको कैल्विन से मिलाते हैं, लेकिन अजीब सा बच्चा देखकर उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या बोले। वह अजीब सा कमेंट्स करते हैं जो कैल्विन को पसंद नहीं आता। एक आदमी उसे हाई फाई देता है और कैल्विन उसे जोर से रिटर्न करता है। दूसरा आदमी उसके नोज को पिंच करके चिढ़ाता है और रिटर्न में वह उसकी नाक लगभग तोड़ ही देता है। वैनेसा फ्रेंड्स और कैल्विन को लेकर किचन में जाती है। कैल्विन का ध्यान वैनेसा के एक फ्रेंड की तरफ जाता है। वह उसके पास जाता है और उससे उठाने को कहता है। यह देखते हुए कि वह बहुत क्यूट है, वह उसे अपने गोद में बैठा लेती है। अब कैल्विन जो देखता है उसे देखकर खुश हो जाता है, जिसके बाद वह हाथ रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे बार बार रोक देती है। उसे देखकर कहती है कि कैल्विन को शायद ब्रेस्ट फीड किया गया होगा और वह वही चाह रहा है। वैनेसा को नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, और तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि उसे दूसरी मदर भी ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, यह पूरी तरह से सेफ है। कैल्विन बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वह इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वेट नहीं कर पा रहा होता, वह अपने लक पर भी बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसकी दूसरी फ्रेंड वहां आती है, कैल्विन को वह देती है जिसके लिए वह पागलों की तरह हरकत कर रहा था।
वह उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन वह हेल्पलेस हो जाता है और उसे काटता है और वहाँ से भाग जाता है। अब वह सब जा रहे होते हैं और गुड बाय कह रहे होते हैं और फ्रेंड वैनेसा को किस करती है और कैल्विन को किस करने के लिए बैठती है और तभी कैल्विन मौके का फ़ायदा उठाकर उसे पर्सनैलिटी किस करने लगता है। वह खड़ी होती है और कहती है कि बच्चे ने उसके मुंह पर जीभ घुसाई। कैल्विन उसे लुक देता है और वहाँ से चला जाता है लेकिन कैल्विन के लिए अभी रात ख़त्म नहीं हुई थी। वैनेसा उसे नहाने के लिए ले जाती है और पूछती है कि क्या उसे कंपनी चाहिए। कैल्विन जानवरों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए सर हिलाता है यह सोचकर कि वैनेसा उसे ज्वाइन करेगी लेकिन डैरिल उसके पास नहाने के लिए बाथ टब में आ जाता है जिसके बाद वैनेसा उसे सुलाने की कोशिश करती है। वह उसे हंसाने के लिए उसके पेट पर किस करती है लेकिन कैल्विन के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और अचानक डैरिल वहां आ जाता है और वैनेसा बच जाती है जिसके बाद कैल्विन आधी रात को उठकर बैग ढूंढने लगता है। वह बैग से डायमंड निकाल लेता है और अपने फ्रेंड पर्सी को कॉल करके उसे पिक करने को कहता है लेकिन वैनेसा का फादर उसके पीछे गन लेकर खड़ा होता है। वो सोचता है कि कैल्विन चोर है तभी डैनियल वहां आ जाता है और उसे फादर इन लॉ से बचा लेता है लेकिन अब उसे कैल्विन पर डाउट हो गया था। कैल्विन डर गया होता है। डैनियल उसके लिए मिल्क बॉयल करने लगता है और वह बात करना शुरू कर देता है कि कैसे वो कैल्विन का ग्रेट फादर बनना चाहता है और वह कैल्विन को कभी भी फादर की कमी महसूस होने नहीं देगा। यह सुनकर कैल्विन थोड़ी देर के लिए अपना मिशन भूल जाता है और इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह वैनेसा उठती है और कल रात के लिए थैंक्स बोलती है। डैनियल कन्फ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वैनेसा किस चीज़ के लिए थैंक्स कर रही है और हम वहीं देखते हैं कि कैल्विन वहीं बेड पर सोया हुआ है। वैनेसा को लग रहा था कि कल रात जो हुआ उसने डैनियल के साथ किया था। ब्रेकफास्ट में कैल्विन को सारा बच्चों का खाना दिया जाता है और जब वैनेसा के फादर के प्लेट में खाना देखता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता और एक एक करके खाना चुरा कर खा जाता है। वैनेसा देखती है कि उसके फादर ने इतना जल्दी खा लिया लेकिन वह कैल्विन पर चोरी करने का इल्ज़ाम लगाते हैं जिस पर वैनेसा को विश्वास नहीं होता। वह काम पर चली जाती है और डैनियल को कैल्विन को पार्क ले जाने को कहती है जिसके बाद वह पार्क में जाते हैं और वह बहुत सारी गेम खेलते हैं जिसमें डैनियल को चोट लगती है। अब डैनियल और उसके दोस्त बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने जाते हैं। पर्सी भी पार्क में होता है और कैल्विन कहता है कि डायमंड बैग में है लेकिन वहाँ पर 3 बैग्स होते हैं और दोनों को नहीं पता कि डायमंड किस बैग में है। वैनेसा की फ्रेंड कैल्विन को पर्सी के पास देखती है और सोचती है कि वह उसे किडनैप करने वाला है और उसके पास जाने वाली होती है और पर्सी जल्दी में एक रैंडम बैग उठाकर भाग जाता है। डैनियल वापस आता है और कैल्विन को सही सलामत देखकर खुश हो जाता है। कैल्विन यह देखकर कि डैनियल उसके लिए इतना फिक्रमंद है वह इमोशनल हो जाता है। इस दौरान पर्सी बैग को लेकर डब्ल्यू के पास जाता है और कहता है कि डायमंड इसके अंदर हैं। मिस्टर डब्ल्यू बैग को चेक करता है और उसके अंदर बेबी प्रोडक्ट्स और गंदे डायपर के अलावा कुछ नहीं होता है। वह पर्सी को वॉर्न करता है और कहता है कि उसे सेकेंड चांस नहीं मिलेगा। पर्सी के जाने के बाद मिस्टर डब्ल्यू अपने साथियों को उसे फॉलो करने को कहता है और डायमंड मिल जाने के बाद उसे मार देने को कहता है। डैनियल और उसके फ्रेंड लोग कैल्विन को आइस हॉकी देखने ले जाते हैं। जब वह गेम देखने में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैल्विन मौका देखकर बैग से डायमंड निकाल लेता है और अपने मुंह में रख लेता है। डैनियल उसे अपना मुंह खोलने को कहता है लेकिन कैल्विन डायमंड छुपाने के लिए उसे निगल जाता है। गेम इंटरेस्ट हो जाता है और कैल्विन एक प्लेयर पर ड्रिंक फेंक देता है। वह पीछे मुड़ता और पूछता है कि यह किसने किया। सब डैनियल की तरफ इशारा करते हैं और प्लेयर अटैक करने लगता है लेकिन कैल्विन डैनियल को डिफेंड करने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही बुरी तरीके से मार खा जाता है। कैल्विन को पूरे फेस में बुरी तरीके से चोट लग जाती है और डैनियल सोचता है कि वह अभी फादर बनने के लिए रेडी नहीं है। कैल्विन के लिए बुरा लगता है इसलिए वह अगले दिन उसके लिए बर्थडे पार्टी रखने के लिए सोचता है।
दूसरी तरफ वैनेसा के फादर न्यूज में देखते हैं कि केल्विन एक रॉबरी में सस्पेक्ट है और केक काटने का टाइम होता है और सभी बर्थडे बॉय को हाइप करने लगते हैं और वह ये सब देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। वह कैंडल बुझाता है और बहुत ही खुश हो जाता है कि उसके पास एक फैमिली है। तब वैनेसा के फादर केल्विन के लिए एक गिफ्ट लेकर आते हैं। पर्सी तब डैनियल के घर में आता है और कहता है कि वह केल्विन का फादर है और वह उसे अपने साथ ले जाने आया है, लेकिन डैनियल उस जैसे इंसान को उसे वापस नहीं देने वाला था और डैनियल उसे मारकर गिरा देता है। मिस्टर डब्लू के लोग यह सब देखते हैं और सोचते हैं डैनियल पर्सी का पार्टनर है जो पर्सी को डायमंड के लिए डबल क्रॉस कर रहा है। अब डायमंड के निगलने से केल्विन के पेट में दर्द होता है, इसलिए दर्द कम करने के लिए वह कैस्ट्रोल ऑयल लेता है, लेकिन दर्द बढ़ जाता है और वह पैंट में ही पॉटी कर देता है। डेरियल वैनेसा को डायपर चेंज करने को कहता है और ना चाहते हुए भी केल्विन को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और कुछ देर के बाद वैनेसा डेरियल के पास आती है और उसे डायमंड दिखाती है जिसे उसे डायपर पे मिला होता है। उसे लगता है कि डायमंड डेरियल की तरफ से गिफ्ट है। डायमंड मिलने के बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और वैनेसा के फादर को केल्विन का ध्यान रखने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे ही वह लोग घर से निकलते हैं, वैनेसा के फादर उसे हवा में उछालकर गिरा देते हैं और कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। अब केल्विन के पास कुछ छुपाने के लिए नहीं होता, इसलिए वह उसके फादर की पिटाई कर देता है और पर्सी को उसे 1 घंटे में पिक करने को कहता है। जब डैनियल और वैनेसा घर वापस आते हैं तो वो लोग फादर को केल्विन का गला दबाते हुए देखते हैं और वह सोचते हैं कि यह पागल हो गए हैं, इसलिए वह मेंटल हॉस्पिटल फ़ोन करके उन्हें इलाज के लिए भेज देते हैं। वैनेसा केल्विन को बेड पर ले जाती है और डैनियल वो टेडी बियर देखता है जो वैनेसा के फादर ने केल्विन को गिफ्ट किया था। वह टेडी बियर को चेक करता है और उसमें देखता है कि उसमें एक हिडन कैमरा है और वह टीवी से कनेक्ट करता है और देखता है कि केल्विन एक बच्चा नहीं है। वह वैनेसा को बताने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन केल्विन पहले ही डायमंड लेकर भाग चुका होता है। वैनेसा फादर को वापस लेने जाते हैं और डैनियल तुरंत पुलिस को कॉल करता है। केल्विन पर्सी के साथ कार में होता है और दोनों खुश होते हैं। पर्सी कहता है कि अब जब मिस्टर डब्लू को लगता है डैनियल उसका पार्टनर है, उन्हें डायमंड लौटाने की ज़रूरत नहीं है। वह सोचता है कि मिस्टर डब्लू डैनियल को डायमंड छुपाने के लिए मार डालेगा और वह लोग डायमंड रख लेंगे। यह सुनकर डैनियल खतरे में है, वह गुस्सा हो जाता है। वह पर्सी को कार से फेंक देता है और सीधा घर की तरफ जाता है। इसी दौरान मिस्टर डब्लू उसके आदमी पहले ही डैनियल के घर पहुंच जाते हैं और उससे डायमंड के बारे में पूछते हैं और वह कहता है उसके पास कोई डायमंड नहीं है। वह उससे पीटने ही वाला होता है कि तभी केल्विन घर में वापस आ जाता है। मिस्टर डब्लू पूछता है कि यह बच्चा कौन है। डैनियल कहता है कि वह मेरा बेटा है। मिस्टर डब्लू अपने आदमियों को कहता है केल्विन को उसके बेड पर ले जाए। बॉडीगार्ड केल्विन को बेड पर ले जाता है, लेकिन केल्विन उसे मारकर गिरा देता है। वह दूसरे आदमियों को भी खिलौनों की मदद से मारता है। अब नीचे मिस्टर डब्लू उसे उसके प्लेन से खेलते हुए देखता है, उससे दूर हटने के लिए बोलता है और केल्विन ऐसा ही करता है। प्लेन उड़कर सीधा मिस्टर डब्लू के पास आता है और उसे हिट करके सीधा ज़मीन में गिरा देता है। डैनियल मिस्टर डब्लू को ना हिलने के लिए बोलता है, लेकिन वह उससे नहीं डरता। लेकिन केल्विन के पास गन होती है और वह उसे मारने से भी नहीं डरता। तभी वहां पुलिस आ जाती है, उन लोगों को अपने साथ ले जाती है। केल्विन उससे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे यह सोचकर उठा लेती है कि वह डैनियल का बेटा है। डैनियल कहता है कि उसके पास पुलिस के लिए कुछ है, लेकिन केल्विन उन्हें वह चीज़ नहीं देना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। अब पुलिस कहती है कि डायमंड पर $1,00,000 का रिवॉर्ड है। वह दोनों यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा।
पुलिस के जाने के बाद दोनों मैन टू मैन बात करते हैं। कैल्विन कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए एक बेटा होना बहुत ही अच्छा लगा। वहीं डैनियल कहता है कि उसे कुछ दिनों के लिए फादर बनना बहुत ही अच्छा लगा। कैल्विन अपनी चीजें लेने लगता है और घर से बाहर जाने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह जाना चाहता था। वह जाते हुए रोने लगता है और डैनियल उसे देखते रहता है। उसके लिए बुरा फील करते हुए डैनियल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि वह दोनों दोस्त रह सकते हैं। दोनों गले लगते हैं, फिर एकदम से पीछे हट जाते हैं क्योंकि यह उनके लिए मैनली फीलिंग नहीं थी। इसके बाद दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वैनेसा एक बच्ची को जन्म देती है और उसका फादर उसके साथ खेल रहा होता है। कैल्विन भी बच्चे का ध्यान रखने में मदद कर रहा होता है और सोचता है कि बच्चा बहुत ही क्यूट है, और हो भी क्यों ना, वो तो बिल्कुल कैल्विन की तरह ही दिख रहा होता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।